और बढ़ गया भी आते पीछे और बढ़ गया भी आते चढ़ा तो बढ़ गया भी आते दोनों भंडी वाले कहाँ हैं? मैंने पूरे कोई कोई सदा रहे ना बल्दिया वाले पुलिस वाले पूरा शरीफ भाई का नंबर है ना शरीफ भाई बोलना अल्लाह के करम से सदर साहब जनाब असदुद्दीन के साहब के उससे तुम लोग होगा एक ठिकाना मिल गया तो पूरा तुम्हारे को हाईकोर्ट का आर्डर है बोल के बेदखल कर दे रहे थे जमात के सुपुर में असदुद्दीन मेहती साहब के सुपुर में ये काम अच्छा होगा। आज सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बरेशर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कॉरपोरेटर जनाब शरीफ साहब मिलके यहाँ पर जो कि बालनगर रोड पे IDPL के पास उषा कंपनी के पास जो कि सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बरेशर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर जो कि मेन रोड पे फुटपाथ पे जो लोग कारोबार कर रहे थे वो लोग को कोर्ट का आर्डर है बोल के हटा दे रहे थे। जब भी सदर मोहतरम ने बल्दिया के आला अहदेदारों से बात करे करके ये बोले कि जो फ्रूट के जो ठेला बनने का कारोबार कर रहे तकरीबन 25-30 साल से वो लोग फुटपाथ के ऊपर रोड पर काम कर रहे और इनका घर का गुजारा इसके ऊपर ही है बोल के सदर मोहतरम ने गरीबों के तरफ से गरीबों को सहारा देना बोल के उषा कंपनी के पास तकरीबन 2-3 हज़ार गज ज़मीन है यहाँ पर और ये मेन रोड को लग के है यहाँ पर बल्दिया के जोनल कमिश्नर ममता मैडम ने कंसर्ट डिप्टी कमिश्नर रविंदर साहब के को बात करके मेयर को और कारपोरेटर साहब जाकर जब उनसे मिले हम मिले तो उन्होंने वही बोले कि MP हैदराबाद जनाब मवेशी साहब ने हमारे को बोले था उन लोगों को बराबर यहाँ पर कारोबार करने के लिए हम अच्छी जगह देंगे बोलकर यहाँ पर जगह दिए। तकरीबन 8 दिन से ये लोग कारोबार कर रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बरेशर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं और गरीबों को कभी नुकसान होने नहीं देते। आज इतनी बड़ी यहाँ पर फ्रूट की मार्केट बनती ये मार्केट से यहाँ पर कारोबार करने वालों को भी बहुत फ़ायदा होगा और जो लोग बाहर से भी जो लोग ख़रीदारी करने के लिए आएंगे वो लोग को आइडेंटिफाई रहेगा कि उषा कंपनी के सामने फ्रूट का मार्केट है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर में ये बहुत बड़ा मार्केट बनेगा और मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बरेशर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि साहब ने इन गरीबों के खातिर जो नुमाइंदगी करके क्योंकि एक बंडी पे जो कारोबार करते हैं उनके दिल से उनका हाल पूछना क्योंकि वो उनका घर का गुजारा उसके ऊपर ही है। उन्होंने कारोबार करेंगे बंडी के ऊपर तो उनके घर में चूल्हा जलेगा तो इन चीज़ों को सदर मोहतरम ने गरीबों का अपना दर्द अपने दिल में रखते हुए ये काम करके आज ये लोग को यहाँ पर एक